जैसा कि आपको मालूम है, परीक्षा की पूर्व संध्या पर मैंने ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित किए हैं और आप इस मॉक टेस्ट को दें, मैं सिर्फ उत्तर बताऊंगा और इसमें से अगर आप 30 से 35 प्रश्नों को हल कर लेते हैं सही सही, तो निश्चित रूप से आप इस बात का के लिए संभावना रख सकते हैं कि आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों का स्तर है वो PCS की जो प्रारंभिक परीक्षा में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी स्तर पर हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये परीक्षा के पूर्व संध्या पर मेरा 50 प्रश्नों का एक पूरा मॉक टेस्ट है, कॉम्प्रिहेंसिव मैंने इसको बनाने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स, आप अगर इसमें से 35 प्रश्नों के सही उत्तर देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है और आप ऐसी आशा कर सकते हैं कि आपका कल का जो पेपर होने वाला है बहुत अच्छा होगा और आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न पहला है, लोकपाल की नियुक्ति के लिए गठित जो चयन समिति है उसका विशिष्ट न्यायविद के रूप में उसमें किसकी नियुक्ति की गई है? और फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें तो इसका उत्तर है मुकुल रोहतगी, क्योंकि अगर हम मुकुल रोहतगी, अगर न्यायमूर्ति आर.के. अग्रवाल की हम बात करें तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और इसी तरीके से जस्टिस आदर्श कुमार की अगर बात करें तो ये NGT के बनाए गए हैं। और सुधा बालाकृष्णन की बात करी जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुधा बालाकृष्णन का भी, इन्हें CFO बनाया गया है RBI का। फ्रेंड्स, ये CFO जो होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मुख्य वित्तीय अधिकारी, और RBI के ताश में पहली बार किसी को, वो भी एक महिला, उन्हें जो है CFO बनाया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न, सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ मिशन के लिए किसे 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए CEO नियुक्त किया है? फ्रेंड्स, इसका अगर हम बात करें उत्तर तो इंदु भूषण को जो है CEO बनाया गया है और दिनेश अरोड़ा जो है निदेशक बनाए गए हैं आयुष्मान भारत योजना के। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में भानु प्रताप शर्मा की, तो इन्हें बैंक बोर्ड ब्यूरो का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और के विजय राघवन जो है ये जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार बनाए गए हैं। नेक्स्ट फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन फसल बीमा योजना का CEO नियुक्त किया गया है? फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेखा शर्मा, और रेखा शर्मा की अगर बात करी जाए तो इन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हरिवंश नारायण सिंह आपको मालूम है राज्यसभा के उप प्रमुख बनाए गए हैं, उपसभापति जो है। नेक्स्ट फ्रेंड, आशीष कुमार भूटानी को फसल बीमा योजना का CEO बनाया गया है। नेक्स्ट, देश की प्रथम ऐसी महिला अधिवक्ता जो अधिवक्ता से सीधे उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश बनी है, इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। और स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की महासचिव बनाई गई हैं। उषा अनंत सुब्रम भारतीय बैंक संघ की हैं। और अगर हम बात करें एस अपर्णा की, तो एस अपर्णा को जो है वर्ल्ड बैंक में निदेशक बनाया गया है, निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? जनवरी 2018 में राजेंद्र बत्रा को डिप्टी NSA बनाया गया था, डिप्टी NSA, और मई में जो है पंकज शरण को भी डिप्टी NSA बनाया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर काबर की अगर बात करें तो ये साहित्य अकादमी और ए सूर्य प्रकाश को प्रसार भारती का बनाया गया है। नीति आयोग ने अभी किस कंपनी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के लिए साझेदारी की है? इसका उत्तर फ्रेंड्स IBM है। नेक्स्ट, हरी मऊ शांति 2018 सैन्य अभ्यास किन देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित हुआ है? भारत और मलेशिया।
के मध्य ये आयोजन जो है सेनाओं के मध्य जो है अभ्यास हुआ था, आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स मैं बहुत जल्दी से लेकर चल रहा हूँ क्योंकि समय आप सबके पास बहुत कम है और मुझे भी चूँकि परीक्षा में सम्मिलित होना है। नेक्स्ट प्रश्न, पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता के आधार पर सही अवरोही क्रम है, तो फ्रेंड्स चीन, यूएसए, जर्मनी, भारत। नेक्स्ट, भारत सरकार ने 2022 तक जो अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य है कितना रखा है, 175 मेगावाट, इसमें 100 गीगावाट जो है सौर ऊर्जा से है। 60 पवन ऊर्जा से है। राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस के सिंगल में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय जो महिला है, फ्रेंड प्रथम भारतीय महिला वो मनिका बत्रा है। नेक्स्ट, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के पेंशन दिए जाते हैं भारत की संचित निधि से, निम्नलिखित में उनको कालक्रम के अनुसार लगाइए, राजा राम, ताराबाई, संभाजी, साहू। फ्रेंड इसमें संभाजी पहले हैं, उसके बाद राजा राम और ताराबाई, फिर साहू। हमें ध्यान रखना है संभाजी पहले हैं और साहू सबसे लास्ट में है, तो संभाजी का जो क्रम है वो 2 1 3 4, एक दो तीन चार। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु कितना ऋण प्रदान किया गया है, 200 मिलियन। पोषण मिशन जो है इसके लिए जो अनुदान दिया जा रहा है, ऋण प्रदान किया जा रहा है, वो वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रदान किया जा रहा है $200 मिलियन का। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार सकल फसल क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर खाद्य फसलों की कृषि की जाती है, इसका उत्तर है 76.3%, कृषि संगणना 2011। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है, फ्रेंड्स इस प्रश्न का पवन ऊर्जा राज्य के संदर्भ में पूछा है, तो सर्वाधिक जो है पवन ऊर्जा तमिलनाडु में है 1 नंबर पर, दूसरा महाराष्ट्र है 2 नंबर पर, तीसरा गुजरात है और नेक्स्ट 4, तो हमें 1 2 3 4 ये याद रखना है। नेक्स्ट, मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध केंद्रपाड़ा जिला किस राज्य में स्थित है, केंद्रपाड़ा जो है उड़ीसा में है और केंद्रपाड़ा के उड़ीसा में ही भीतरकनिका जैव मंडल क्षेत्र भी है। नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप 2018 के गोल्डन बाल पुरस्कार विजेता कौन है, इसका उत्तर है लुका मॉड्रिक। नेक्स्ट, स्फूर्ति पहल किससे संबंधित है, फ्रेंड्स स्फूर्ति पहल का जो संबंध है वो रेल यातायात की प्रवाह और अधिकतम माल ढुलाई संचरण योजना में मदद के संचालन के लिए किया गया है, इसका उत्तर है बी। नेक्स्ट, आर्मस्ट्रांग मिश्रण निम्नलिखित में समाचारों में था, विस्फोटक, उर्वरक, खाद्य योजक और रॉकेट प्रणोदक, फ्रेंड्स इसका उत्तर जो है विस्फोटक सही है। कभी कभी समाचारों में रहने वाला एलिफेंट वक्र किससे संबंधित है, वैश्विक लिंग अंतराल, वैश्विक असमानता, नवीकरणीय ऊर्जा और उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड्स अगर हम इसकी बात करें तो इसका उत्तर है वैश्विक असमानता। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रीन फील्ड प्रशिक्षण केंद्र किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, और इसका उत्तर है उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, लाख बहोसी, पक्षी विहार, कन्नौज, पटना पक्षी विहार, एटा, सुरहाताल पक्षी विहार, बलिया, सांडी पक्षी विहार, बलिया। फ्रेंड्स ये वाला आंसर गलत है, सांडी पक्षी विहार जो है हरदोई में है, बाकी ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा
सही सुमेलित नहीं है। बखीरा झील, संत कबीर नगर, करला झील लखनऊ, फुलहर झील पीलीभीत, बल्हापारा झील आगरा। फ्रेंड्स, बल्हापारा झील आगरा में नहीं है बल्कि कानपुर में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नगर को पैदल उपलब्ध कराने के लिए निर्माण किया गया है? फ्रेंड्स, लवकुश बैराज को कानपुर नगर को पैदल जो है उपलब्ध कराने के लिए निर्मित किया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? कोयला क्षेत्र और राज। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सिंगरैनी आंध्र प्रदेश में है, जंजी अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, जंजी जो है असम में है, और नजीरा असम में कोयला क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कर सही कथन चुने। खैबर दर्रा थार श्रेणी में स्थित है, हिंदू कुश श्रेणी में स्थित है, केवल एक, केवल दो, एक एवं दो, ना तो एक ना तो दो। फ्रेंड्स, खैबर दर्रा किरथार श्रेणी में नहीं है, नंबर एक ये ध्यान रखना है, ये हिंदुकुश में है, हिंदुकुश में सफेद कुह। सफेद को जो है पर्वत श्रेणी है, उसमें खैबर दर्रा स्थित है, और बोलन दर्रा जो यहां तक की बात है ये बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में तौबा काका रेंज में। इस प्रकार एक भी सही नहीं है और दूसरा भी सही नहीं है। नेक्स्ट, इसका आंसर ये होगा, भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी उपक्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको रटा होगा। नेक्स्ट, अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मलाजखंड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तांबा क्षेत्र दे रखा है और राज दे रखा है। मलाजखंड तांबा क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में है, चंद्रपुर तांबा क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र में है, खम्मम तांबा क्षेत्र आंध्र प्रदेश में, हासन जो है ये रॉन्ग है, हासन तमिलनाडु में नहीं है बल्कि कर्नाटक में है। और फ्रेंड्स, अगर हम तांबे के भंडार की बात करें तो तांबे का सर्वाधिक भंडार जो है वो राजस्थान में है, और तांबे का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो एमपी में होता है। निम्नलिखित में किस नदी को सहायक, किस नदी की सहायक नदी रोहड़ी है? रोहड़ी जो है फ्रेंड्स ताप्ती की सहायक नदी है। नेक्स्ट, मरीचिका उदाहरण है। मरीचिका फ्रेंड्स प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों का उदाहरण है। नेक्स्ट, बादल के किस कारण वायु, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? फ्रेंड्स, निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता और निम्न तापमान। फ्रेंड्स, इसका उत्तर है निम्न घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकांश कीट शोषण कैसे करते हैं? वातक तंत्र से। कीटों का जो शोषण होता है वो वातक तंत्र से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार के कांच में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है, इसका उत्तर है सोडा कांच, जैन कांच, पायरेक्स कांच और क्रूक्स कांच। चौथा सही, क्रूक्स कांच जो होता है वो पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन, लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये लैग हीमोग्लोबिन जो है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, मानव ऊतक में और लैगून मूल में। फ्रेंड्स, लैग ऊतक जो है, लैग हीमोग्लोबिन जो है वो लैगून मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, ब्लड प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक का पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? कवलर, पॉलीस्टराइन, टेफ्लॉन, रेयन। फ्रेंड्स, कवलर का प्रयोग जो होता है वो प्रयोग किया जाता है एज ए ब्लड प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए, बहुलक पदार्थ के रूप में कवलर का प्रयोग करते हैं। दक्षिण भारत में भगवान रंगनाथ का मंदिर स्थित है, बलिगिरी पहाड़ी, नंदी पहाड़ी, त्रुमाला पहाड़ी, चामुंडी पहाड़ी, इसका उत्तर जो होगा त्रुमाला पहाड़ी। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में दिए गए कमीशन का कालानुक्रम क्या होगा? सर, रेलवे कमीशन, सैडलर कमीशन, वुड्स डिस्पैच, हंटर कमीशन। फ्रेंड्स, ये कमीशन सही नहीं, क्योंकि रेलवे कमीशन जो बना था वो 1902 में बना था, ये 1902 में बना है। सैडलर कमीशन 1917 में बना है। वुड डिस्पैच 1854 में बना है। हंटर 1872 में बना है। तो फ्रेंड्स, ये कमीशन का क्रम सही नहीं है। अगर हम देखें नेक्स्ट, तो वुड डिस्पैच 54, हंटर 72, राले कमीशन 1902 और सैडलर 1917, इसका उत्तर जो है 2 सही होगा, बाकी 3-4 भी रॉन्ग हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है, फ्रेंड पूछ रहा है। तो जैसा हमें मालूम, लॉर्ड एलनब्रो, अवध का विलय, लॉर्ड डलहौजी, सिंध की विजय, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। और सर जान शोर अगवान, आंगल मराठा युद्ध, ये अगवान युद्ध से संबंधित था, ये सही है। लॉर्ड वेलेजली का युद्ध जो है चौथा आंगल मैसूर युद्ध से। नेक्स्ट फ्रेंड, किसने स्वामी विवेकानंद को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक जो है पिता बोला है, स्वामी विवेकानंद जी को? इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस संस्कृति को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है? तो फलक संस्कृति आपको मालूम है मध्य पूर्व पाषाण काल, इसका उत्तर भी 2 सही होगा। फलक संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण काल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश के सिक्कों पर चैत एक प्रमुख चिन्ह था? चैत जो है एक प्रमुख चिन्ह था सातवाहनों के। नेक्स्ट फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो हमें मालूम है, सोनभद्र में सर्वाधिक जो है जनजाति है, और दूसरा भी सोनभद्र में दे रखा है, बट सोनभद्र के बाद दूसरी सर्वाधिक जो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है वो ललितपुर में है, और फिर देवरिया, और फाइनली बलिया में है। इसलिए ये एक वाला उत्तर सही होगा, और ये 3 गलत होगा, अब 2-4 तो गलत है ही। नेक्स्ट फ्रेंड, निम्नलिखित में कौन सा मुगल शासक नकारा या नगाड़ा बजाता था? अकबर इसका आंसर सही है, नकारा जो है अकबर बजाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को शाहजहां ने राजकवि की उपाधि दी थी? फ्रेंड्स, शाहजहां ने राजकवि जो दिया था वो जगन्नाथ को दिया था, ये सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस मुगल शहजादी ने दिल्ली में एक पुस्तकालय बैतुल उलूम की स्थापना की थी? उसका नाम है ज़ैबुन्निसा, मेहरुन्निसा जो है वो नूरजहां का नाम था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार दक्षिण भारत में किसने नहीं किया था? तो पांडवों ने नहीं किया था, पांड्य राज्य ने स्वीकार नहीं किया था। होयसल, काकतीय और यादवों ने, देवगिरी के जो यादव थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रभाव था, प्रभुत्व जो था, उसको स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट, काई लाइकेन तथा पुष्पी पादप जैसी छोटी जो वनस्पतियाँ किस प्रकार की जलवायु में पाई जाती हैं? फ्रेंड्स, टुंड्रा जलवायु, लाइकेन वगैरह जब 4000 जो ट्री लाइन है उससे ऊपर जो भी पाए जाते हैं वो टुंड्रा जलवायु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, सुमेलित करें नगर और नदी, रंगपुर, बालाकोट, मांडा, बनवाली। तो अगर हम देखें तो मांडा जो है वो चिनाव पर है, बालाकोट बिंदाल नदी पर है, रंगपुर मादर नदी पर है, बनवाली सरस्वती नदी पर है। इसका क्रम लगाना फ्रेंड भूल गया था मैंने, इसलिए इसको कर दिया है, मैच कर दिया है। निम्नलिखित वंश को निम्नलिखित क्रम में लिखें, संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश, आर्मिडु वंश, और ये चारों का क्रम 1, 2, 3, 4 ही होगा। संगम वंश सबसे पहले, हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी, उसके बाद सलू वंश, और उसके बाद तुलु वंश। तुलु वंश में ही कृष्णदेव राय जो विजयनगर काल के सर्वाधिक
प्रसिद्ध और महान प्रतापी राजा हुए हैं, वह तुलु वंश से ही संबंधित थे और अंतिम वंश था अरावीडु वंश था। फ्रेंड्स, ये 50 क्वेश्चनों का मेरा सेट हुआ, बहुत जल्दी से किया है, बस मैंने आपको उन प्रश्नों पर आप देखने से आपको एक विश्वास पैदा हुआ, आप सभी को इन 50 प्रश्नों को देखने के बाद एक विश्वास पैदा हुआ होगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है और इनमें से कितने प्रश्न आप जो हैं सही कर पाए। फ्रेंड, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर ये है, आपने इसको देखा और इसके बाद आप अब ज़्यादा से ज़्यादा मनन करें और ज़्यादा से ज़्यादा करंट को और सूचियों को देखने का प्रयास करें, समितियों को देखने का प्रयास करें, स्पोर्ट्स देखें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक प्रश्न परीक्षा में सॉल्व करने में सुविधा हो। थैंक यू सो मच।